हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पर हम बहुत सारे फॉर्मूलाज देखेंगे, बहुत सारे ऐसे रासायनिक सूत्र देखेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और उनके क्या उपयोग हैं, कहाँ पर उनका यूज किया जाता है, इसके बारे में हमारी ये सीरीज है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, जो लगभग सभी को पता होता है। क्वेश्चन नंबर वन, भोजन में खाने वाले नमक का सूत्र होता है, यानी कि जो सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, जिसे हम खाने में प्रयुक्त करते हैं, वो हमारे पास होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला होता है NaCl, जिसे रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्पीति यानी कि जो लाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, यानी कि क्विक लाइम का फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है, जो वाइट वाश करने में यूज़ किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला, या सबसे पहले मैं आपको नाम बता दूं, तो इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप पहचान सकते हैं, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। तो दूसरा आंसर हमारे पास ये हो गया, दूसरे क्वेश्चन का पहला। आगे हम बढ़ते हैं, कपड़े धोने के सोडे के रूप में प्रयोग होने वाला केमिकल कौन सा होता है, तो यानी कि जिसे हम वाशिंग सोडा बोलते हैं, वाशिंग सोडा हमारे पास होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर टू है ये आपका आंसर होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब हो गया यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डेकाहाइड्रेट। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, और ये हमारे पास है, शुष्क सेल को बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ड्राई सेल जो होता है उसे बनाने में किस केमिकल का प्रयोग इनमें से होता है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जिंक भी होते हैं, ZnCl2 भी ड्राई सेल में होता है, लेकिन इनमें से हमें जो छांटना है वो सही होना चाहिए, यानी कि ड्राई सेल का एक केमिकल होना चाहिए, तो ये होता हमारे पास NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, दाढ़ी बनाने के बाद खून रोकने के लिए लगाए जाने वाला कौन सा मॉलिक्यूल है इनमें से, तो आमतौर पर जब कहीं पर कट जाता है तो फिटकरी का यूज़ किया जाता है, यानी कि एलम का यूज़ किया जाता है, और जिसे हम यहाँ पर पोटास एलम भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24S2O। ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24S2O इसका फॉर्मूला हो गया। ये डबल सॉल्ट होता है, द्विक लवण होता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वाटर होता है उसे बैक्टीरिया फ्री करने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, तो आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग वाटर के प्योरिफिकेशन में किया जाता है, बैक्टीरिया को किल करने में वहाँ पर किया जाता है, तो इसका आंसर होगा पहला। सेवन क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर सेवन, आतिशबाजी का बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो आतिशबाजी यानी कि क्रैकर्स जो हम दिवाली में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आमतौर पर जो प्रयोग किया जाता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा जो ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट होते हैं, जो थोड़ा सा हीट करने पर उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और अलग अलग कलर देते हैं, जैसे बैरियम हो गया या सीजियम हो गया, ये टेम्परेचर गेन करने पर इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं, और इसका आंसर होगा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन सेवन का हो गया पहला। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ, नीले थोते में क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं, नीले थोते का मतलब हुआ ब्लू विट्रोल, इसे कहा जाता है ब्लू विट्रोल। तो ब्लू विट्रोल आपका जो, सबसे पहले मैं अगर इसका फॉर्मूला आपको बता दूं, तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5S2, यानी कि CuSO4.5S2, यानी कि कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट इसका फॉर्मूला होता है। तो यानी कि पेंटा हाइड्रेट का मतलब इसमें कितने मॉलिक्यूल वाटर के होंगे, पांच, इसमें होंगे पांच मॉलिक्यूल वाटर के, जिसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है और बाकी काउंटर आयन के बाहर आपको दिखेंगे। और कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट जो आपका फॉर्मूला है, इसमें तीनों तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास है, साधारण फिटकरी के अणु सूत्र में जल के अणु की संख्या होती है, यानी कि जो कॉमन एलम होती है जिसे हम पोटास एलम बोलते हैं, अभी हमारे पास फॉर्मूला आया था ऊपर,
ये वाला फॉर्मूला सी के टू एस ओ फोर ए एल टू एस ओ फोर का होल थ्राइस 24 S2। तो यहाँ पर टोटल जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं 24 S2। जो पोटास एलम होता है ये डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर आपको बोला गया है सोहागा यानी कि बोरेक्स को गर्म करने पर कांच के समान एक पारदर्शक पदार्थ बन जाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल वहाँ पे बनता है उसका सूत्र होता है। तो जो सुहागा होता है यानी कि बोरेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 और साथ में होते हैं 10S2। जब इसे गर्म किया जाता है दो पदार्थों में टूट जाता है, एक तो B2O3 और दूसरा होता है NaBO2। लेकिन इन दोनों पदार्थों में से जब बोरेक्स टूटता है गर्म करने पर तो B2O3 जो आपका मटेरियल होता है कंपाउंड होता है ये आपका कांच के समान पारदर्शक पदार्थ होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है B2O3, जिसे आप बोरिक एनहाइड्राइड बोलोगे। आगे हम बढ़ते हैं विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो जब आप विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2 पर H2SO4 की रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पर Cl2 गैस लिबरेट होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर फिर से बोला गया है कि फिटकरी यानी कि एलम का सूत्र होता है, तो अभी इससे पहले भी आया था, तो इसका आंसर होगा ये वाला यानी कि फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का शुद्ध अणुसूत्र है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, राइट। आगे हम बढ़ते हैं कास्टिक सोडा यानी कि कास्टिक सोडा, सोडा का मतलब यहाँ पे सोडियम से है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है कास्टिक सोडा। ये कास्टिक पोटास होता है, तो भी आपको ध्यान रखना है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कास्टिक पोटास किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम आगे बढ़ते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो जो संगमरमर होता है या फिर जो चौक होती है आपके पास मार्बल होती है उन सबका एक ही फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि CaCO3 इसका फॉर्मूला होगा। चाहे चौक हो या मार्बल हो इन सब का फॉर्मूला क्या होगा, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भोजन में प्रयोग होने वाला नमक होता है, तो ये दोबारा आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, तो ये आपका एनएशियल। चूने का रासायनिक नाम है यानी कि लाइम जो आपके पास होता है, क्विक लाइम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्लैक्ट लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना। अगर केवल चूना लिखा हो तो इससे हम ये आंसर निकाल सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा होगा शुष्क चूना, ठीक है। शुष्क चूने का जो आंसर होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड, थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं है। और जो भूजा हुआ चूना होता है यानी कि स्लैक्ट लाइम होता है उसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। नीले थोते का रासायनिक नाम है यानी कि ब्लू विट्रोल का केमिकल नेम क्या है, तो अभी इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था CuSO4.5S2 यानी कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है, तो इसका आंसर होगा 18 का थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे फिर से ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला पूछा गया है, तो ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला होगा, आप गेस कीजिए, या फिर अगर आपको याद है तो आप टिक कर सकते हैं चारों में से। 19 का होगा फर्स्ट, राइट। सुहागा यानी कि बोरेक्स, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ऊपर, जो बोरेक्स होता है यानी कि सुहागा होता है जब वो टूटता है तो NaBO2 और B2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो हटते हैं यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, फिर वो ब्रेक डाउन होता है और फिर वो NaPO2 और B2O3 बनाता है। तो जो बोरेक्स हमारे पास होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 और साथ में क्या होते हैं 10 मॉलिक्यूल वाटर के। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल हटते हैं और फिर ये डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, NaBO2 और B2O3। B2O3 आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कांच की तरह दिखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो बोरेक्स हमारे पास होता है उसका नेम आखिर होता क्या है, ठीक है, ये आपने फॉर्मूला देख दिया Na2B4O7 10S2। अब इसका फॉर्मूला हमें बताना है,
फॉर्मूला हमने बता दिया। अब इसका नाम अगर हमें पूछा जाता है तो इसका नाम होता है सोडियम टेट्रा बोरेट, सोडियम टेट्रा बोरेट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, कुएं के पानी को जीवाणु रहित करने के लिए उसमें डाला जाता है। तो मेनली यहाँ पर डाला जाता है 22 में अगर हम देखें तो पहला यानी कि KNO4। अब इसी से रिलेटेड आगे हमारे पास क्वेश्चन होगा लाल दवा, लाल दवा किसे कहा जाता है, इसका अणुसूत्र क्या है। तो लाल दवा कहा जाता है KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा किसे कहा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट को। अब हमारे पास अगला है सोरे का अणुसूत्र यानी कि सॉल्ट पीटर, इसे कहा जाता है सॉल्ट पीटर। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास है सोरा या सोरे, तो सॉल्ट पीटर इसे कहा जाता है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है KNO3। इसका फॉर्मूला होगा KNO3, ठीक है। अब इससे भी आगे एक और क्वेश्चन इसमें है आपके पास, सोरे का रासायनिक नाम है। अभी आपके पास आ गया फॉर्मूला, आपको ये दिख रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या होगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट। 25 का हो गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट आपके पास है रेड लेड, रेड लेड का अणुसूत्र क्या है। रेड लेड का यहाँ पे पहला ऑप्शन PbO2 है, फिर PbO है, फिर Pb2O3, Pb3O4। तो इनमें से आपको बताना है 26 में जो आपको दिख रहा है इनमें से रेड लेड किसे कहा जाता है। तो रेड लेड कहा जाता है Pb3O4 जो कि एक आपका मिक्स्ड ऑक्साइड है, मिश्रित ऑक्साइड है। ये हो गया आपका। फिर रेड लेड के बाद आपके पास है लिथार्ज, लिथार्ज का सूत्र पूछा गया है। तो लिथार्ज से ही हम जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा में इसमें मिलाते हैं लिथार्ज में, तो रेड लेड बनता है। अब लिथार्ज क्या होता है, तो लिथार्ज का जो फॉर्मूला हो तो ये आपके पास यहाँ पर होगा PbO, लेड ऑक्साइड, ठीक है। सिंपल ऑक्साइड हमारे पास है PbO। 27 का थर्ड हमारा आंसर। 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो आपको पता चल गया होगा, ऊपर हमने डिस्कस किया है CaOCl2। अब हमें इसका रासायनिक नाम बताना है ब्लीचिंग पाउडर का, तो 28 का हो जाएगा आपका सेकंड आंसर, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी आप इसे बोल सकते हो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर आप ऑक्सी टर्म का व्यू यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास बोला गया है CaOCl2 वाला यौगिक है, तो ये पहले ही बता दिया हमने, जैसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला होता हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का, जिसे हम विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। खड़िया का सूत्र है यानी कि चौक का सूत्र है। तो अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होगा, मार्बल का भी फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है खड़िया का यानी कि चौक का रासायनिक नाम क्या है, तो चौक का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी दिख पा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। धावन सोडा, सोडे का सूत्र है यानी कि वाशिंग सोडा जो आपके पास होता है, ये हमारे पास होता है Na2CO3 10H2, ये हमारे पास धावन सोडे का सूत्र है, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। पोटास एलम का सूत्र है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन इससे आपका इसके जो फॉर्मूले जो भी यहाँ पे आपके पास हैं ये आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे, इसलिए रिपीट हो रहे हैं तो आपको आंसर एक्यूरेट करना है, तो ये आंसर आपका हो गया थर्ड। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, निम्नलिखित यौगिकों में से सफेदा, सफेदा बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो सफेदा बनाने के लिए मुख्यतः जिस जिन दो केमिकल का उपयोग किया जाता है वो होता है आपके पास, एक तो लेड नाइट्रेट होता है और दूसरा होता है सोडियम कार्बोनेट। सफेदा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, लेड नाइट्रेट और Na2CO3। थैंक यू।